नमस्कार दोस्तों। नमस्कार जी हाँ दोस्तों, हम और लक्ष्मण भाई आज पाली पहुंच चुके हैं। पाली में बन रही है हिंदी फिल्म कलेजे का टुकड़ा, उसकी शूटिंग अभी जारी है। मैं सेठ जी का रोल प्ले कर रहा हूं और लक्ष्मण भाई कॉमेडियन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें 15-20 दिन का ब्रेक मिला था, ब्रेक के बाद अभी हम दोनों पाली पहुँच चुके हैं। तो मेरा तो सेठ जी का रोल है और लक्ष्मण भाई का है कॉमेडियन में। तो आपने पिछले भी कई फोटोज और जो भी सोशल मीडिया पर हमने शेयर किए थे उसमें देखा होगा लक्ष्मण भाई की जो ये लुक थोड़ा चेंज है उसमें, तो उसी को लेकर के थोड़े दरोस्त दिख रहे हैं। ये हंस भले रहे हैं लेकिन ऊपर से हंस रहे हैं, अंदर से उनको ये हो रहा है कि यार अभी हम इतनी बढ़िया मुँह से बढ़ा के और इसको आए हैं और अभी कुछ ही संत मिनटों में इनकी मुँह से सेट होने वाली है, वो इतनी सी रह जाएगी, बाकी उड़ा दी जाती है, उड़ा दी जाएगी। और तो उसी को लेकर थोड़ा नर्वस है और मेरे को बोल रहे थे गंदमा जी मैंने मुँह से बढ़ा के आया हूँ और अभी यार मेरा तो वो हो जाएगा ऐसा और आपका तो रोल अच्छा है। और मैंने बोला यार कॉमेडियन का बहुत बढ़िया रोल है और अपना कुछ ऐसी लुक बनेगा तभी तो लोगों को एक मजा आएगा कॉमेडियन का। तो उसी को लेकर वही बात सही है मोहन जी, पर लेकिन बाजार में कैसे घूमे, मैं आप ही सोचो ये इतनी सी मोसा रखेंगे तो फिर बाजार में कैसे घूमेंगे, तो वो दिक्कत आती है। एक बार पहले स्टार्टिंग में शूट हुआ था जब मेरी मुझे छोटी कर दी थी तो 5-6 दिन ऐसा टॉल रखा था मुँह पे, ऐसा रखकर फिर बाहर आ जाता था, नहीं तो बाहर कोई नहीं निकलता था, बस अंदर ही रहता था रूम में, होटल मेरे को रहते। और ये भी कमेंट किया था पिछले वीडियो में जो बात नहीं सोशल मीडिया पर हम लोगों ने शेयर की है, ये भी बोला लक्ष्मण भाई ने कि जब तक हमारी मुँह से वापस बढ़कर ऐसी स्थिति नहीं आ जाती तब तक मैं घर नहीं जाऊँगा। और उस बात के भी वो पक्के निकले क्योंकि अभी ये जोधपुर में काम कर रहे थे, अब जोधपुर से सीधे यहाँ घर गए नहीं है, अभी ये मुँह से बढ़ा दिया, अब घर जाने का प्लान था, सर का फोन आ गया आपका सीट सर आ जाइए, तो इनका ये कैंसिल हो गया है, तो 3 महीने जाने की और नहीं तो 2 महीने या 1 महीना समथिंग और घर से दूर होना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये बोलते गांव में जाऊंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि पूरी साफ भी नहीं कर सकते क्योंकि कैंटीन भी पिक्चर में काम चल रहा है तो इसको पूरी तरह साफ भी नहीं कर सकते, इतनी सी मुश्किल लेकर के घूमते तो रियल टाइम कॉमेडी बन जाती है इनके साथ। तो इसको लेकर थोड़े नर्वस नजर आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा ऑल द बेस्ट। और आज आपका भी शूट है मेरा भी शूट है तो इसी को लेकर हमने छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी हम पाली में और हमारा 10 बजे शूट शुरू हो जाएगा, अभी तैयार होकर बैठे हैं हम, तो उसी को अभी इसके बाद जब हम लक्ष्मण भाई का जो कॉमेडी वाला लुक है उसके कुछ हो सके तो वीडियो भी बनाएंगे टाइम फुर्सत मिली तो, नहीं तो सोशल मीडिया पे पक्का इनका फोटो तो वायरल करेंगे ही, तो आप देखना अभी किस रूप में है और कुछ मिनटों के बाद में जब इन पे प्रकृति चेंज हो जाएगा तो उसी को लेकर बैठे, तो ये बात कर रहे थे कि अब क्या करें। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट और ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जल्द आ रही है हमारी ये हिंदी फिल्म आपके साथ और हम पूरी टीम बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं इस पर। इस फिल्म के डायरेक्टर निर्माता हमारे पाली के गजेंद्र सिंह जी मंडली हैं, तो सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ और हम यहाँ से कुछ न कुछ जरूर सीख करके जाएंगे मैं और लक्ष्मण भाई, क्योंकि हम YouTube पर दो साल से भी लगे हुए हैं और अब हमारे को एक्टिंग के बारे में और भी सीखने का यहाँ आने के बाद मौका मिला है, बहुत कुछ सीखी भी है, हाँ कुछ सीख भी रहे हैं और सर के आशीर्वाद से सब अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों आप अपना साथ सपोर्ट और आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखना हमारे और लक्ष्मण भाई के साथ, क्योंकि ये अपना सब कुछ यहाँ आते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं लक्ष्मण नहीं हूँ, एक बोल पूरा कैरेक्टर में ही रहते हैं। अब आज कुछ मिनटों के बाद इनका ये कॉमेडी वाला लुक तैयार होगा तब बस 200-200 घंटे कैरेक्टर में रहेंगे, कॉमेडी करेंगे बस, अभी कॉमेडी नहीं कर रहे नर्वस है, लेकिन जब इन पर जो स्टाइल सेट हो जाएगी मूसा वाली और कॉमेडी लुक दे दिया जाएगा तब से रात को सोते वक्त उठते वक्त सब कॉमेडी चलेगी 7-8 दिन जब शूट पे हैं, तो इनके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है और शूट पे हमारे पूरी टीम को अच्छाते रहते हैं। हाँ मेरी मुच्छ है, टैगोर तो क्यों टैगोर क्या मेरी मुच्छ की
इसी बात का डर था दोस्तों, इसी बात का डर था लक्ष्मण भाई को, इसलिए वो बलिदान दे दिया है।